Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 10, Human Beings, Forms and Functions. Okay. So, as the name of the chapter suggests, that in this chapter, we are going to study about the human beings, what are the various systems in the human beings, and what are the functions of various organs in the human body. That all the things we are going to discuss in this chapter. Okay. so first of all let us see the main headings of the chapter organ system in human body human body mein organ system hota hai आपको पता है जो human body है उसमें अलग-अलग organs होते हैं right हमारी body बहुत सारी processes करती हैं for example digestion respiration circulation excretion और इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं तो इस चैप्टर में हम उन सभी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्क्यूलेट्री सिस्टम देन ह्यूमन स्केलेटन फिर हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म एंड देन लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल let us go through the brief introduction of the chapter so students you have to read along with me humans are uniquely adept at utilizing system of symbolic communication such as language and art for self expression and the exchange of ideas and for organizing themselves into a purposeful groups ह्यूमन बींग ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट लिया है और हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं आपको पता है आ, इन द अगर हम बात करें प्रमेटिव टाइम की तो जो प्रमेटिव मैन था एंशियन टाइम्स में जो प्रमेटिव मैन था उसको लैंग्वेजेस नहीं आती थी राइट आ, वो मिमिक्स करते थे और एक्सप्रेशंस से अपने मन की बात जो है उसको समझाते थे बट ह्यूमन बींग्स ने अडाप्ट किया अपने आप को और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जिसमें से लैंग्वेज भी एक चीज़ थी और अब हम बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं जिससे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और हमने इस तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण किया एक समाज का निर्माण किया है राइट right? Humans create complex social structures composed of many cooperating and competing groups, from families and kinship networks to political states. और uh, human beings ne इसी समाज में रहते हुए हमने एक एक समाज का निर्माण किया है जो सभी को cooperate uh, साथ में हम cooperate कर रहे हैं, compete कर रहे हैं और एक एक समाज में रह रहे हैं, right? social interactions between the humans have study established an extremely wide variety of values social norms and rituals which together form the basis of the human society और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं अपनी कुछ परंपराएं हैं और इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम उस समाज में रहते हैं curiosity and the human desire to understand and influence the environment and to explain and manipulate phenomena or events have provided the foundation for developing science philosophy mytholo mythology religion anthropology and numerous other fields of knowledge right सो so, uh, आपको पता है जो ह्यूमन बींग है वो बहुत क्यूरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म है राइट सो क्यूरियस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के पीछे का रीज़न जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूरियस सो वी नो दैट द ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्यूरियस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब अगर हम बात करें प्रिमेटिव मैन की आदिवासियों की तो उनको जब आग जलाना नहीं आता था तब उन्होंने आग जलाना नहीं आता था या उनको ये नहीं पता था कि किस तरीके से पहिए की उन्होंने खोज की थी राइट right? देन uh, उन्होंने शिकार करके खाना शुरू किया उस शिकार को पका कर खाना शुरू किया सो so, इस तरीके से ह्यूमन ह्यूमन बींग्स ने अपनी क्यूरियोसिटी के कारण बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया और अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाए राइट right? जिसके कारण साइंस फिलोसॉफी माइथोलॉजी रिलीजन एंथ्रोपोलॉजी और इस तरह के अलग अलग फील्ड्स जो हैं वो नॉलेज के बने जिससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यू हैव नोन दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल होता है मतलब जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं ओके okay? इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है सेल वेरियस ऑर्गेनिज़म्स डिफर इन देयर शेप साइज़ हैबिटेट, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पान और अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो उ, 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 मतलब सभी ऑर्गेनिज़म्स का शेप साइज ओरिएंटेशन उनका हैबिटेट रिप्रोडक्शन उनका लाइफ स्पान सब कुछ अलग अलग होता है राइट right? एक कैट का साइज़ अलग होगा डॉग का साइज़ अलग होगा एलिफेंट का साइज़ अलग होगा सिमिलरली उनकी लाइफ अलग अलग होती है कुछ एनिमल ज़्यादा जीते हैं कुछ कम जीते हैं तो इस तरीके से हर एक एनिमल डिफरेंट है और अपने आप में यूनिक है ऑर्गेनिज़म्स कैन बी यूनीलुलर और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो केवल एक सेल से बने होते हैं उनको बोला जाता है यूनि और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर द यूनीलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल राइट द थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं हम यूनीलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इट्स एग्जा इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे अमीबा पैरामीशियम

इट इंक्लूड ऑल द ऑ ऑर्गैनिज़म्स विच हैव मैनी सेल्स जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड अ टिशू सेल्स का वो ग्रुप जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में उसको बोला जाता है टिशू आपको पता है बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं टिशू बनाते हैं ब्लड बोन मसल्स एंड स्किन आर द टिश्यूज़ इन अवर बॉडी और हमारी बॉडी में जो ब्लड है बोन्स हैं मसल्स हैं और स्किन है ये सब टिश्यू का ही एग्जाम्पल है मतलब ये सारी चीज़ें टिश्यू से ही बनी हैं राइट एंड ऑर्गन इज मेडअप ऑफ सेवरल डिफरेंट टिशूज़ बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर ऑर्गनस बनाते हैं टिश्यूज कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ सर्टेन मेजोरिट मेजर एक्टिविटी फॉर्म ऑर्गन सिस्टम तो सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बनाए टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन बनाएँ और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया राइट अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट इज़ एन ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व टिशू बाउंड टुगेदर विथ कनेक्टिव टिशू फाइबर्स इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ए, हमारा हार्ट हमारा हार्ट भी एक ऑर्गन है जो जिस जो uh, किस किन चीज़ों से मिलकर बना है मसल्स से नर्वस टिश्यूज से और वो बाउंडेड होते हैं बाय द कनेक्टिव टिशू फाइबर तो इस तरीके से कोई ऑर्गन जो है वो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है काफ़ी सारे सेल्स और टिश्यूज से मिलकर या दूसरे ऑर्गन से मिलकर बना होता है राइट ऑर्गन सिस्टम एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरक्टिंग ऑर्गन्स दैट फंक्शंस टुगेदर, फॉर एग्जांपल फूड पाइप स्टमा एंड द इंटेस्टाइंस आर सेपरेट ऑर्गन दैट आर द पार्ट्स ऑफ डाइजस्टिव सिस्टम विच इज़ एन ऑर्गन सिस्टम सो द सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं सो वी कैन रिकॉल इट लाइक दैट कि अगर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं फिर बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करता है राइट देर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स इन अवर बॉडी और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन अवर बॉडी आर गिवन बिलो इन द टेबल सो इस टेबल में वी कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हाँ, मतलब अलग अलग ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बना होता है तो किन ऑर्गन से मिलकर कौन सा सिस्टम बना है दिस थिंग वी आर लुक वी कैन लुक हियर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो खाना हम खाते हैं उस उस फूड को डिकम्पोज करके एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं दैट ऑर्गन्स आर माउथ फूड पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लिवर पैनक्रियाज राइट ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम देन इफ यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ऑल्सो जो हमारा फूड है वो ब्रेकडाउन होकर हम हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं दैट आर द नोज माउथ विंड पाइप एंड लंग्स देन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कौन करता है हार्ट राइट right? आपको पता है द कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो होता है और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक इस ब्लड को ले जाने का काम जो करते हैं उस सिस्टम को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ओके सो द सिस्टम विच लुक्स एट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द होल बॉडी इज कॉल्ड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स देन अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की सो स्टूडेंट्स यू नो दैट कि हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने का काम हमारा ब्रेन करता है राइट right? हमारी बॉडी पार्ट्स जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो भी टास्क कर रहे हैं वो केवल इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन ने हमारे बॉडी uh, पार्ट्स को ऑर्डर दिया है टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस राइट So, ये फंक्शंस देने का जो ये ऑर्डर्स देने का काम और डिज़ायर्ड फंक्शंस परफॉर्म कराने का काम जो है वो नर्वस सिस्टम करता है देन द नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑब्वियसली जो हम खाना खाते हैं और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम वेदर वेदर इट बी द लिक्विड वेस्ट और द सॉलिड वेस्ट और इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं दैट इज द स्किन लंग्स किडनी लिवर लार्ज इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर और यूटेस राइट देन अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सो स्टूडेंट्स यू नो दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग्स को दे गिव बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज ओके सो मेल ह्यूमन बॉडी में वी कैन सी द टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरीज होती हैं ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी अब हम देखेंगे कि सारे ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे देर आर टेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी आर एस फॉलोज बिच आर एस फॉलोज सो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली टेन सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम राइट सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर इन डाइजेशन फूड इज़ चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म राइट सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा फूड है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्वियसली फूड को डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाई द सेल्स और जो सिंपलर फॉर्म होता है फूड का वो वाटर में सॉल्यूबल होता है इजीली वाटर में घुल सकता है और जो एनर्जी है दैट कैन बी देन इजीली स्टोर्ड बाई एब्जॉर्ब बाई द सेल्स और उससे एनर्जी जो रिलीज होती है उसको सेल्स ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अवर डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स हमारी डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारी अलग अलग स्टेप्स होती हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोज स्टेप्स इन डिटेल ओके सो फर्स्ट हीयर स्टूडेंट्स यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ माउथ से हम हमारे फूड को टेकिन करते हैं दिस इज़ द फूड पाइप इस फूड पाइप से होते हुए जो हमारा खाना है वो लिवर से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है इस स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी प्रोसेसिंग होती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो एन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है राइट right? सो so, इस इस प्रिंसिपल पर इस तरीके से वर्क करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक ऑर्गन आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट देर आर मेनी ऑर्गन दैट आर गिवन टू अस इस डाइजेस्टिव ऑर्गन में हर एक ऑर्गन का क्या रोल होता है क्या फंक्शन होता है दिस थिंग वी हैव टू सी ओके सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं फर्स्ट वन इज़ द इंजेसन इंजेशन का मतलब होता है इट इज़ द टेकिंग ऑफ फूड इन्जेशन इन का मतलब होता है अंदर तो जब हम फूड को हमारी बॉडी के अंदर ले जाते हैं फूड को टेक इन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन देन डाइजेशन इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड इन टू द सिंपलर फॉर्म जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है सॉरी uh, जो इंजेस्टेड फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ये इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन राइट right? हमने पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस uh, में कन्वर्ट होता है और इसी को बोलते हैं हम डायजेशन दैन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द सेल जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके बाद प्रोसेस होती है एसीमिलेशन एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस और जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं राइट देन एक्सक्रीशन जिसको हम डेफिकेशन भी बोलते हैं द अनएब्जॉर्बड फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड और एसिमिलेटेड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन या वी कैन कॉल इट ऑल्सो कॉल इट एज डेफिकेशन राइट Now, students, we are going to discuss the various organs that are involved in the digestive system. Digestive system में जो जो organs involved होते हैं उन सब का क्या काम होता है और वो किस तरीके से अपना function perform करते हैं All these things we are going to study here. Okay? So first one, organs of the digestive system हम discuss करने जा रहे हैं First one is the mouth. एसन एज वी स्टार्ट चिविंग द फूड विथआउआर टीथ द डाइजेसन स्टार्ट्स जैसे ही हम हमारे फूड को चीव करने लगते हैं चबाने लगते हैं उसी त, उसी टाइम से डायजेशन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है द अदर ऑर्गन्स इन द माउथ आर टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड और आपको पता है हमारे माउथ में और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं टंग और सलाइवरी ग्लैंड राइट सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और जो टंग है वो हमारे फूड को स्वेलो uh, करने का काम कर स्वेलो uh, करने में हेल्प करती है द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच वेन मिक्सड विथ द मै मेस्टिकेटेड फूड एंड मेक अ पेस्ट ऑफ द फूड विच कैन बी ईजीली स्पेलोड सो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली क्या काम करता है सलाइवा सिक्रीट करता है और सलाइवा की हेल्प से जो खाना है वो एक बाइंड फॉर्म में एक पेस्ट बन जाता है जिसको हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं निगल सकते हैं राइट और स्वेलो करने में टंग भी हेल्प करती है द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा और टंग जो है वो उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम भी करती है ताकि वो एक पेस्ट बन जाए और हम उसको ईजिली स्वेलो कर पाएँ देर आर थ्री पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इन अवर माउथ दाइजेस्ट द्रेजेंट इन द फूड थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारी हमारे माउथ में मतलब हमारे माउथ में तीन पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के जो सलाइवा है वो डायजेस्ट करता है स्टार्च को जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है राइट right? जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है सॉरी सो so, आपको पता है फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उस उसी स्टार्च को डाइजेस्ट करवाने का काम कौन करता है सलाइवा नाउ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकेंड ऑर्गन है दैट इज़ द ईसोफेगस ईसोफेगस जिसको हम गुलेट भी बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप इसको फूड पाइप भी बोला जाता है इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन द डाइजेशन ये डाइजेशन में कोई पार्ट नहीं लेता है इट सिंपली पुशेज द फूड इन टू द स्टमक लेकिन ये फूड को हमारे स्टमक तक ले जाने का काम करता है राइट right? जो हमने फिगर में यहाँ पे देखा ये जो पाइप है इस पाइप के थ्रू ही फूड जो है वो हमारे स्टमक तक जाता है सो so, ये पाइप बेसिकली क्या काम करता है फूड को आ, स्टमक तक ले जाने का जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं या इसोफेगस भी बोलते हैं इट्स देन uh, बात आती है स्टमक की अब जो हमारा खाना है वो हमारे स्टमक में पहुंच जाता है हमारे पेट में पहुंच जाता है इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर हुज़ वॉल्स सीक्रेट एंड एसिडिक जूस स्टमक एक बैग जैसा होता है और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो एक तरह का जूस सीक्रेट करती हैं और वो जूस एसिडिक जूस होता है मतलब इट इट कंटेंस

then small intestine it is a long tube like structure set in the form of a coil digestion is completed in it small intestine ek lambi si tube hoti hai jo ki coil ke form में रहती है ठीक है uh, मतलब एक गुच्छे के form में रहती है जब एक tube का एक गुच्छा जैसा रहता है उसको हम बोलते हैं small intestine here you can see it is the small intestine right सो so, एक बड़ी सी ट्यूब जो कि गुच्छे के फॉर्म में रहती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लू फूड एंड हेल्प इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट थ्रू एनस अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसमें से एनर्जी अबस, उसको ब्रेक डाउन कर दिया अब उसमें से भी जो डाइजेशन जो जॉइंट डाइजेस्टेड फूड होता है जो बचा हुआ फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद जो फाइनल वेस्ट मटेरियल बचता है उस सॉलिड वेस्ट मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन एनस में भेज देती है और एनस से वो जो सॉलिड वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है राइट right? नाउ इन सब में इन सब के अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर और पेनक्रियास का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंड वॉट इज़ दैट दैट वी आर गोइंग टू सी हेयर देर आर द ग्लैंड विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हैं ऑर्गन्स हैं जो हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिवर सीक्रीट बाइल जूस विच इज़ स्टोर्ड इन द गोल्ड ब्लैडर लिवर जो है वो एक तरह का जूस सिक्रीट करता है जिसको बाइल जूस बोला जाता है जो कि गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है राइट हाँ सॉरी जो हाँ जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है सर्टेन सेल्स इन द पेनक्रियास सिक्रीट सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन एंड ऑल्सो पैनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाज के कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक तरह का सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको बोला जाता है इंसुलिन और पैनक्रिएटिक जूस भी राइट right? सो so, इस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं और इन सभी ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शंस होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब जाकर जो फूड हमने खाया है उसका ब्रेकडाउन होता है और जब वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होने के बाद इनडाइजेस्टिड फूड जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है थ्रू एनस एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन राइट सो यू हैव स्टडीड दैट व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड वॉट इज़ द रोल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स दैट आर प्रेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द Digestion in the human body. Okay, so that's all for today's class, students. In our next class, we will study the respiratory system. Okay, thank you.